नमस्कार। सूर्य ग्रहण पर बात करेंगे। आज से ठीक 5 दिन के बाद 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण दिन बृहस्पतिवार को आरंभ होने जा रहा है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण की बात हम इसलिए बहुत ज़रूरी करना चाहते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भी प्रकृति में आते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही देश में होगा, किसी भी देश में इसके साइड इफ़ेक्ट देखने में आते हैं। भूकंप, तूफान, लैंडस्लाइडिंग, जन आंदोलन, विमान दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जैसे बस खाई में गिर जाना, बड़ी दुखद घटनाएं होती हैं। इसलिए इन बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, ये इसका नाम है खग्रास सूर्य ग्रहण और बृहस्पतिवार के दिन होगा। इसका समय रहेगा भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 7:05 से 12:29 तक। लेकिन भारत में ये दृश्यमान नहीं है, इसीलिए सूतक आदि का जो प्रभाव है वो भारत में नहीं होगा। लेकिन अब नहीं होगा तो हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये गंभीर प्रश्न है। क्यों? मेष राशि पर सूर्य ग्रहण होगा। मेष राशि के 12 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, इसलिए 12 करोड़ लोगों की चिंता है हमें। मेष राशि पर ये ग्रहण होगा। राहु, बृहस्पति और सूर्य तीन ग्रह एक साथ आएंगे 100 वर्ष के बाद। ये खगोलीय घटना होगी और बृहस्पति 12 वर्ष के बाद आएंगे कहाँ, मेष राशि में, और उनका मिलन 12 वर्ष के बाद ही होगा। राहु और बृहस्पति सूर्य के साथ संचरण करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजिशन। थ्री प्लेनेट्स, त्रिग्रही योग, तीन ग्रहों का योग तो बनेगा ही, साथ में चंद्रमा चौथा ग्रह, तो क्या बना, चतुर्ग्रही योग, चार ग्रहों का एक साथ होना, ये सृष्टि के अंदर एक नया समीकरण पैदा करता है। अष्टग्रही योग भी सन 1962 में बना था। आठ ग्रह एक साथ होना, दिस इज नॉट नॉर्मल मैटर, असाधारण खगोलीय दुर्घटना भी कह सकते हैं। ऐसी जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग और साइड इफेक्ट सृष्टि के ऊपर पड़ता है, तो मेष राशि को इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, ये हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राहु बलिष्ठ बनाता है क्योंकि इसका काम है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सूर्य के साथ होना और बृहस्पति के साथ होना राहु को अच्छा बनने की प्रवृत्ति देता है। डिप्लोमेटिक प्लेनेट है, लेकिन सूर्य और बृहस्पति के साथ सेनापति जैसा स्वभाव मेष राशि का होगा, तो मेष राशि बनेगी पुष्ट और बलिष्ठ राशि। लेकिन बात यहाँ ख़त्म इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि 50% हिस्सा राहु का केतु के साथ चला गया तुला राशि पर। तुला राशि पर नीच दृष्टि होगी सूर्य की, और वहीं बृहस्पति भी शत्रु भाव से देखता है, तो इसलिए तुला के लिए अच्छा फल उस दिन रहने वाला नहीं है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन तुला के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है एक झटके से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सूर्य ग्रहण है, ये भारत में की अपेक्षा कहाँ कहाँ होगा, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इसकी जो आकृति है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और न्यू गयाना, जावा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, पापुआ प्रांत के हिस्सों में दिखाई देगा। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार अलग अलग
समय पर वहाँ इसका साइड इफेक्ट होगा, 7:05 पर शुरू होगा भारत के समय के हिसाब से, वो कंट्री अपने हिसाब से मैच करेंगे। 12:29 तक इसकी समाप्ति होगी। जब सूर्य ग्रहण आता है तो उसके एक दो दिन पहले और एक दो दिन बाद जो राशि पर जिसका साइड इफेक्ट होता है उसकी मानसिकता को बदलता है, चोट लगवाता है, दुर्घटनाएं कराता है, दाम्पत्य जीवन के झगड़े पैदा कराता है। इसीलिए मेष राशि के लिए अशांति का कारक बन सकता है। मेष राशि के जातक विशेष रूप से इस बात को ज़्यादा ध्यान देंगे। और इसके अलावा जो बचाव है वो बचाव करने वाला बृहस्पति ग्रह विद्यमान है, इतना डर और फोबिया मन में रखने की जरूरत नहीं है। 12 वर्ष तक के बच्चों को तो ग्रह ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, 12 वर्ष के बाद वाले जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या उससे बड़े हैं, वो अपने वाहन ठीक से चलाएं, जो परिवार के साथ रह रहे हैं फैमिली लाइफ को थोड़ा अच्छे से संभाल करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा दाम्पत्य जीवन में अप डाउन, तनाव, झगड़े, कलह, क्लेश, परेशानियां और मन मुटाव रह सकता है। तो इस सूर्य ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है।